हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी दादी थी, नानी थी, उनके टाइम पर ना तो कोई फेस वॉश होता था, ना तो कोई बॉडी वॉश होता था, ना टोनर, ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ना तो कोई कंडीशनर, ना शैम्पू, कुछ भी नहीं होता था। बस होता क्या था, एक साबुन की टिकिया होती थी, जिससे क्या है कि वो अपने फेस को भी धो लेती थी, उससे अपनी बॉडी को भी क्लीन कर लेती थी, अपने बालों को भी धो लेती थी, फिर भी वो अच्छी दिखती थी। बट क्या कि जो वो टाइम था और जो आज का टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आज की जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, जिससे क्या और हो रहे हैं कि जो हमारी स्किन है और जो हमारे बाल हैं, उन पर उन कंडीशंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे क्या है कि हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके के शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, फेस वॉश चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों की आजकल क्या है कि बहुत ज़रूरत पड़ने लगी है, तो हम लोग और इन चीज़ों का यूज़ भी करते हैं। बट जो हमारी मार्केट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो हमें मार्केट से मिलती है, उन सारी चीज़ों में क्या होता है कि केमिकल होता है, और जो हमारी स्किन के लिए क्या होती है, हमारे बालों के लिए जितनी वो यूज़फुल नहीं है, उससे ज़्यादा वो क्या होती हैं कि उनके उनके लिए हार्मफुल होती हैं। तो क्यों ना हम क्या करें कि अपने घर पर ही कुछ चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके इफ़ेक्टिव सी चीज़ें बनाएं और उनको ये। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्या है कि एक बहुत इफ़ेक्टिव सा बॉडी वॉश बनाने वाली हूँ, जिसका यूज़ मैं अपने कॉलेज टाइम से कर रही हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और मैं इसीलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ क्या है शेयर कर रही हूँ। और जो ये हमारा बॉडी वॉश पाउडर है, मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको इसको दिखाऊंगी, जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसके रिजल्ट है, वो भी मैं बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो पे हमें लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये हमारा जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बनाते हैं हम लोग बॉडी वॉश, वो भी घर पर कैसे बनता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बॉडी वॉश को बनाने के लिए हमें कितनी 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी, और कुछ चीज़ें जो आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करिए और उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए, या आप थोड़े से लेजी टाइप के हैं तो आप चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। और जो आपको हम बता दें कि जो हमारे मार्केट में जो बॉडी वॉश मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, उनमें क्या होता है कि केमिकल्स भी पाया जाता है उसमें। बहुत सारे बॉडी वॉश जो होते हैं, उस पर लिखा होता है केमिकल फ्री, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी भी डिब्बाबंद चीज़ें होंगी, सब में क्या होगा कि केमिकल मिला होगा, तो जिससे क्या है कि आपकी स्किन जो है वो अनइवन हो सकती है। कभी कभी तो कुछ बॉडी वॉश में केमिकल जो केमिकल होते हैं मिले होते हैं, वो कैंसर काजिंग होते हैं, मतलब जिससे क्या है कि हमारी स्किन पर अगर हम लगातार उनका यूज़ करते रहें, तो हमारी जो स्किन है, स्किन पर स्किन कैंसर होने की जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्यों रिस्क लें, क्यों ना हम एक अच्छा सा नेचुरल सा बॉडी वॉश अपने घर पर बनाएं और उसका यूज़ करें, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। और कॉलेज टाइम से मैंने इस बॉडी वॉश को यूज़ किया है, और मैं इसको आज भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव लगा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी फैमिली के साथ, आप लोग हमारी फैमिली है, तो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप भी इसके गज़ब के जो रिज़ल्ट हैं वो फील कर पाएँ। इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया, एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, ठीक। तो आप क्या करें, आप भी बाउल ले लें, या आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, जिसमें हमने क्योंकि हमें बड़ा सा बाउल चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी 2-10 चीज़ें हैं, इन सबको हमें मिक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 स्पून नीम पाउडर लेंगे। क्या लेंगे, नीम पाउडर लेंगे, जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेंट्री होता है, और जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप इस पाउडर को क्या है कि अपने घर पर भी बना सकते हैं। पास में जाइए, नीम का पेड़ लगा होगा, उसकी पत्ती ले आइए और उनको सुखा लीजिए, और उसका बढ़िया सा एक पाउडर बना लीजिए। आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसको घर पर बनाने की जो मेथड है, नीम पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं देखना चाहते हैं,
हैं, तो जो हमारा इसका लिंक है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें विटामिन सी और फॉलिक एसिड जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन की टोन को बेहतर बनाने में मदद करता है। और अगर आप इस पील पाउडर को फेस पर अप्लाई करते हैं तो जो आपके एक्ने पिंपल हैं इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और जो आपकी स्किन होगी उसमें बहुत अच्छा निखार आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने घर पर जो ऑरेंज का पील पाउडर है वो कैसे बनाते हैं, तो उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स पर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर जो उसको देखिए, तो उससे आप क्या है कि घर पर ही ऑरेंज पील पाउडर को बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑरेंज पील पाउडर को ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद मैंने क्या लिया है कि एक बड़ा चम्मच बेसन लिया है, जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि बेसन बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है, जो हमारे डेड सेल्स होती हैं उनसे क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेसन बहुत अच्छा होता है, और ये बेसन जो होता है वो स्किन पर क्या करता है कि निखार लाता है। ठीक, ये तो आपकी किचन में ही आराम से अवेलेबल होगा। ठीक, फिर इसके बाद मैंने क्या एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है, ये भी क्या करती है, अच्छा क्लींजर का काम करती है, डेड सेल्स को बाहर निकालती है, स्किन को टाइट और हेल्दी बनाती है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बढ़ाता है। कौन हमारी जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो हमारे स्किन पर, हमारी बॉडी पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तभी तो हमारी स्किन क्या लगती है, बहुत हेल्दी लगती है। ठीक, इसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने एक बड़ा चम्मच रोज़ पाउडर लिया है, और जो रोज़ पाउडर होता है उसको आप इस क्या करता है कि हमारे स्किन पर बॉडी को ठंडक पहुंचाता है, ये भी एंटी एजिंग होता है, फाइन लाइंस और एजिंग की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करता है, और स्किन पर बिल्कुल पिंकिसा ग्लो लाता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है रोज़ पाउडर से। अगर आप देखना चाहते हैं कि घर पर रोज़ पाउडर कैसे बनाते हैं, तो जो उसका लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स पर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या ऑनलाइन अवेलेबल है रोज पाउडर। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक चम्मच कस्तूरी हल्दी ली है, जो भी जिसमें भी एंटी बैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं, जो स्किन से डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो लाइट और ब्राइट बनती है, और स्किन को ये जो कस्तूरी हल्दी है बेदाग और स्मूथ बना दी है। मैंने ये कस्तूरी हल्दी मीशो से ऑनलाइन की थी और वहाँ से परचेस की थी। आप इसको आपका जहाँ से मन करे, आपकी अगर लोकल मार्केट में मिल जाती है तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिए, या आप इसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिएगा। मैंने इसको मीशो से ऑनलाइन परचेस किया था। इसके बाद मैंने 1/4 कप इसमें किचन हल्दी ली है। क्या ली है, किचन हल्दी, जो कि मैंने बहुत थोड़ी मात्रा में ली है, क्योंकि ये हमारे स्किन पर कलर छोड़ जाती है, तो ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। पुराने समय से जो भी उपटन बनाया जाता था वो बेसन और हल्दी के बिना अधूरा था, अगर उसमें हल्दी नहीं पड़ती थी तब भी वो अधूरा था, बेसन नहीं पड़ता तब भी वो अधूरा था। तो आप जान सकते हैं कि जो हमारा बेसन होता है, जो हमारी किचन वाली हल्दी होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए। तो जो ये हल्दी है वो हमारी पिगमेंटेशन की जो समस्या होती है उसको ख़त्म करती है, बॉडी से टैन हटाने में हेल्प करती है, जिससे स्किन क्या होती है हमारी बहुत रिफ्रेश और हेल्दी से दिखती थी। पुराने समय में शादियों में क्या है कि जो उपटन लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है ना, उसमें हल्दी और बेसन ज़रूर मिलाते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है कि एक चम्मच मैंने मसूर दाल की आटा लिया है, जो कि बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। आप इसको बिल्कुल आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। मसूर की दाल लीजिए और उसको मिक्सर जार पर डाल के बढ़िया तरीके से ग्राइंड किए, फाइन सा पाउडर बनाइए, बन गया हमारा मसूर की दाल का आटा। तो जो हमारा मसूर की दाल का आटा होता है, यह स्किन को ग्लोइंग बनाता है और स्किन से जो इम्प्योरिटीज़ होती है उन सब को बाहर खींचता है, जिससे जो हमारी बेजान सी स्किन होती है उसमें जान को वापस लाता है। और इसे आप आसानी से आप तो बना ही सकते हैं, या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि मैंने एक बड़ा चम्मच सैंडल पाउडर लिया, सैंडल पाउडर मतलब चंदन पाउडर लिया है, और जो मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसको मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और क्या है कि ये जो हमारा सैंडल पाउडर होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करता है, सनबर्न
को और सन टैन को हटाता है और एंटी एजेंट का एंटी एजिंग का काम करता है। और ये मैंने तो 15 रुपये का लिया, ज़्यादा कॉस्ट महंगा भी नहीं है, ये मैंने 15 रुपये का लिया था, इतनी क्वांटिटी मिल जाती है, ये 4-5 बार अच्छी तरीके से यूज़ हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अभी जो हमारी ये 9 चीज़ें हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, 9, इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स एंड मैच करेंगे, एक सार करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी वॉश कितनी ज़्यादा कलरफुल चीज़ों से मिला हुआ है हमारा, इसमें रोज पेटल है, सैंडल पाउडर है, नीम का पाउडर है, कितनी कलरफुल चीज़ों से मिलकर बना है, इससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इसको लगाने पर आपकी स्किन से बहुत धीमी धीमी सी माइंड को रिफ्रेश करने वाली स्मेल आएगी। और फिर मैंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड की है, वो है 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये हमारा 10वां इंग्रेडिएंट था, क्या, पिसी हुई चीनी जो मैंने इसमें ऐड किया हुआ, जो कि बॉडी से क्या करती है कि हाइड्रेशन जो है उसको निकलने नहीं देती, बॉडी को हाइड्रेट रखती है, मतलब बॉडी में जो नमी होती है उसको क्या कर देती है, ये चीनी लॉक कर देती है। और हमारी स्किन के लिए ये जो नमी है वो बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन पर जितनी नमी होगी हमारी स्किन उतनी ही हेल्दी दिखेगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच कर लिया है, एक बढ़िया सा स्मूथ सा अच्छा सा पाउडर बना लिया है। और जो आपका ये बॉडी वॉश पाउडर है ये महीनों तक ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको नमी से दूर रखेंगे, मतलब इसमें बस नमी ना पहुँच नहीं पाए, आपका ये महीनों महीनों चलता रहेगा। आप इसको क्या करिए कि बाथरूम में रखिए और इसको एक प्लास्टिक के बॉक्स में मैंने लिया, आप चाहें तो आपके पास एक कांच का है, गिर सकता है क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, तो क्या है कि आपको प्लास्टिक की ही बोतल लेनी है, बॉक्स लेना है, तो मैंने ले लिया है। और जो कि कैसा है, एयर टाइट है। और इसको धुल के मैंने क्या किया था, धूप में सुखा लिया था, ये बहुत अच्छी तरीके से धूप में सूख चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इस बॉडी वॉश के जो पाउडर मैंने बनाया है इसमें मैं स्टोर कर लूँगी, स्टोर करने के बाद मैं इसको बाथरूम में रख लूँगी या मैं बाहर ही रखूँगी, अगर मैं बाथरूम में रखती हूँ तो इसमें नमी पहुँच सकती है, इसको मैं क्या करूँगी, बाहर ही रखूँगी। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि इस बॉडी वॉश पाउडर को यूज़ कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो क्या करेंगे कि हम इसको 3 चीज़ों में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप पानी ले लीजिए ऐसे नॉर्मल सा पानी, उसमें क्या करिए कि पानी लीजिए कटोरी में जैसे कि मैंने ले लिया है, और इसमें आप अपना बॉडी वॉश पाउडर अपनी 1 चम्मच डालिए, या आपको जितना ज़रूरत हो अपनी सुविधानुसार उतना डाल लीजिए, ठीक, या आप कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है, उसमें 1 चम्मच इस बॉडी वॉश पाउडर को डालकर मिलाकर लगा लीजिए, या आप क्या कर दीजिए एक फ्रेश सा दही ले लीजिए, जैसे कि ताज़ा दही जो होता है उसको ले लीजिए 1 चम्मच, इसमें इस बॉडी वॉश पाउडर को मिलाइए, मिक्स करिए, मैच करिए, इन तीनों चीज़ों में आपको जो आराम से मिल जाए आप उसमें इस पाउडर को क्या करिए मिलाइए, और बढ़िया तरीके से अपने स्किन पर क्या करना है कि सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से क्या करनी है, मसाज करनी है, ठीक। आप इसको क्या है डेली कर सकते हैं, आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 1-2 दिन के गैप पर या 3 दिन के गैप पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दही नहीं होता है तो हम क्या करेंगे दूध में मिक्स कर लेंगे, हमारे पास दूध और दही दोनों नहीं है हमारे घर पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा नॉर्मल सा वाटर है पानी है उसको लेंगे उसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है कि आज मुझे अप्लाई करना था तो मैंने ये दही लिया, आज मेरा मन था कि मैं दही के साथ इसको लगाऊं, तो मैंने क्या किया है कि ये दही ले लिया है, ये 1.5 चम्मच के समथिंग्स होगा, मैंने इसमें क्या किया कि 1 चम्मच पाउडर को मिक्स कर लिया है, मुझे इतनी ही ज़रूरत होती, मेरा इतना ही लग पाता है तो मैंने इतना ले लिया है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से क्या कर लिया है कि गीला कर लिया है, अगर आप गीला करके लगाते हैं तो ये कम क्वांटिटी में लगेगा, अगर आप ऐसे सूखा सूखा मतलब आपकी स्किन गीली नहीं है ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी स्किन को क्या कर लिया है, गीला कर लिया है, अब मैं इस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से मुझे क्या करना है इसकी मसाज करनी है। और मैं क्या करूँगी, जब तक मैं अपने पैरों पर लगाऊंगी तब तक ये हमारे हाथों का सूख जाएगा, और मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों पर करके दिखा रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैमरे के सामने ये सब करना, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक।
तो मैंने क्या किया है कि मैं इसको लगा रही हूँ अच्छी तरीके से, क्या कर रही हूँ कि सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। आप इसको पूरी बॉडी पर अच्छी तरीके से अप्लाई करिएगा, कम से कम इसको 5 से 10 मिनट दी जरूर दीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा। और फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर थोड़ा थोड़ा सा सूख रहा है, आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी सी टाइट हो रही है, फिर आप क्या करेंगे इसको धुल लेंगे। और धुलने के बाद क्या करेंगे, आप अपना जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको लगा लेंगे। और आप ऐसा क्या है 1 वीक तक करके देखिए, जो आपका इतना पाउडर बनाया मैंने 1 चम्मच की क्वांटिटी ली है, ये 1 वीक तक आसानी से चल जाएगा। और फिर आप 1 वीक के बाद देखिए आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा वो मार्केट वाला कोई भी बॉडी वॉश नहीं दे पाएगा। आप बस अप्लाई तो करके देखिए, और ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें भी नहीं इसमें ऐड है, सिंपल सी चीज़ें ऐड है। आप आराम से इसको बनाइए और इसको यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट मिल चुका है, मैंने इसका रिज़ल्ट फील किया है, मैं अपनी स्किन पर इसका रिज़ल्ट देख पा रही हूँ। आप लोग भी देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं कि मैं और अच्छी तरीके से अपने वीडियो को बना पाऊँ तो आप वो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ, मैं भी न्यू न्यू यूट्यूब पर आई हूँ, बट मैंने ये सारी चीज़ें पहले से की हैं और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपका जो एक्सपीरियंस है इस बॉडी वॉश पाउडर को आप बनाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।